दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को इस विश्व कप का विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीदरलैंड ने एक बार फिर से अफ्रीका को धूल चटाकर न केवल इतिहास रचा बल्कि अंक तालिका में भी जमकर उथल पुथल मचाई। तो आखिर कैसे नीदरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी हुए वर्ल्ड कप से बाहर? कहाँ पहुंच गई है बाकी टीमें, कहाँ मौजूद है टीम इंडिया, क्या है अंक तालिका का पूरा समीकरण, वो सब कुछ आपको बिताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया के साथ साथ कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप के रोमांच ने अपने सभी हदों को पार कर दिया है और अब तो बड़े बड़े अपसेट ने भी क्रिकेट प्रेमियों की नींदें उड़ा रखी हैं। पहले इंग्लैंड तो अब अफ्रीका को नीदरलैंड ने करारी धूल चटाकर हाहाकार मचा दिया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे विश्व कप में भी अफ्रीका को नीदरलैंड के हाथों करारी हार मिली, जहाँ पर नीदरलैंड के लिए दिए गए 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में अफ्रीकी बल्लेबाज नागिन की तरह नाचते हुए नजर आए और नीदरलैंड के गेंदबाजों ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बता दिया कि वह इस विश्व कप में चमत्कार करने के इरादे से आए हैं। बड़ी मुश्किल से अफ्रीका की टीम 207 रनों तक पहुंच पाई और 43 ओवर में पूरा खेल पाने में भी कामयाब न हुई। इसके बाद भी पूरी दुनिया हैरान है, कोई अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयारी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, जहाँ एक तरफ अफ्रीका को हार मिली तो वही अंक तालिका में जमकर उथल पुथल भी तो देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें अफ्रीका के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद नीदरलैंड ने अपना खाता खोला और 10वें से 8वें पायदान पर पहुंच गई है। उन्होंने लंका और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे बड़ा झटका रहा। जहां अभी 10वें पायदान पर एशिया ज्वाइंट श्रीलंका की टीम मौजूद है, वहीं 9वें पायदान पर 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, जो रन रेट के मामले में नीदरलैंड से कोसों पीछे रह गई। हालांकि अफ्रीका को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वह अभी भी 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। नंबर 1 पर 6 अंकों के साथ हमारा प्यारा भारत अंक तालिका की गद्दी पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं नंबर 2 के पायदान पर 6 अंकों के साथ न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, दोनों में केवल रन रेट का अंतर रह गया है। नंबर 4 के पायदान पर 4 अंकों के साथ पाकिस्तान भी है, तो वहीं शुरू होता है असली कंपटीशन, जहां 5वें 6वें 7वें पायदान पर 2-2 अंकों के साथ क्रमशः इंग्लैंड, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश की टीम मौजूद हैं। यानी कि अब इस दौड़ में नीदरलैंड ने भी एंट्री मारी है, मतलब सेमीफाइनल की चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली और केवल थोड़े से रन रेट की बदौलत कईयों का सपना चकनाचूर होने वाला है, ये तो अभी से जग जाहिर हो चुका है। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीमें एक महीने के अंतराल के बाद बड़े टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करने वाली हैं। शाकिब अल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश की टीम को मिली भारत के खिलाफ एशिया कप में मैच में जीत के बाद अब भारत को उसके घर में हराने के लिए बांग्लादेश की टीम आ पहुंची है। ऐसे में अब भारत और बांग्लादेश के बीच मैच पुणे के मैदान पर होने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपको बताएंगे। साथ में पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप कई काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच पुणे के मैदान पर होने वाला है। आपको बता दें वर्ल्ड कप में अभी तक भारतीय टीम ने 3 मैच खेले हैं और तीनों मैच में भारत ने जीत हासिल की है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने 3 मैच खेलते हुए 2 में हार का सामना किया और 1 मैच में अपने नाम किया है। ऐसे में अब भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम तैयार हैं। इस मैच के लिए भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालने वाले हैं, तो वहीं बांग्लादेश की टीम की कमान शाकिब अल हसन के हाथों में रहने वाली है। ऐसे में यह मैच और भी ज्यादा रोमांचक होगा। दोस्तों दोनों टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य तंजीद हसन और लिटन दास करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो टीम को बेहतर तरीके से आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा मध्य क्रम में नजमुल संतो, मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन को खेलने का मौका मिलने वाला है, जहां पर कप्तान शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करने वाले हैं। तो वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मुशफिकुर रहीम को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो अपनी टीम के लिए बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में महमदुल्ला को खेलने का मौका मिलेगा, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में सौरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा करते दिखाई देंगे, जो टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो वहीं मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान KL राहुल खेलते दिखाई देंगे, जो अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते
चाहते सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिलेगा, जो अपनी फिरकी गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान करेंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका मिलेगा, जो दोनों बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ऐसे में 11 खिलाड़ियों के साथ भारत बांग्लादेश को हराने उतरेगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच अब तक 40 मैच खेले गए, जहां पर भारत ने 31 और बांग्लादेश ने 8 मैच जीत हासिल की है और एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। इसके अलावा भारत की धरती पर खेले गए मैच के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच 3 मैच खेले गए और तीनों में भारतीय टीम को जीत मिली है। इसके अलावा वर्ल्ड कप में दोनों टीम का सामना कर बार हुआ है और जहां पर भारत ने 3 मैच में जीत हासिल की है और एक मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा, जहां अभी तक 7 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 बार जीत हासिल की और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 बार जीत दर्ज की है। तो वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 305 रन का रहा है, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच 19 अक्टूबर को पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार 2 बजे से प्रारंभ हुआ। इस दौरान टॉस का समय 1:30 बजे का रहेगा और लाइव कवरेज 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इस मैच का लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसका लाइव टेलीकास्ट करने वाला है। दोस्तों, इस मैच के दौरान मौसम की बात करें तो मैच वाले दिन टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होने वाला है और मैदान के ऊपर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा इसके चलते हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसमें मैच पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ क्या भारतीय टीम लगाएगी वर्ल्ड कप में जीत का चौका, या फिर बांग्लादेश की टीम देगी भारत को दोहरा झटका? जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। तो आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच खेला वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस मैच से संबंधित पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शानदार अंदाज से प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान वर्ल्ड कप के अंदर 14 मैच पूरे हो चुके हैं। यहां पर वर्ल्ड कप का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला जाने वाला है। तो आइए भारत और बांग्लादेश के मैच के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के अंदर इस समय भारतीय टीम 3 मैच खेलकर तीनों में जीत हासिल करके बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने वाली है, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट, पाकिस्तान को 8 विकेट और अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया है, जिसके चलते उनके 6 अंक हैं। तो वहीं बांग्लादेश की टीम ने 3 मैच खेले हैं, जहां 1 मैच में जीत और 2 मैच में हार का सामना किया है। इस दौरान बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 137 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना किया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में फिलहाल काफी ज्यादा खराब है। दरअसल, दोनों टीम के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों के बीच 40 बार वनडे में आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने सिर्फ 31 बार जीत हासिल की है। तो वहीं बांग्लादेश की टीम ने 8 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा साबित हुआ है। तो वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय सरजमी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच 3 मुकाबले खेले गए, जहां पर भारतीय टीम ने तीनों में जीत हासिल करी है। तो वहीं दोनों के बीच वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मैच खेले गए हैं, जहां भारत ने 3 बार, बांग्लादेश ने 1 मैच अपने नाम किया है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा शानदार है। इस स्टेडियम पर अभी तक 7 मैच खेले गए हैं, जहां पर 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 3 मैच गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 305 रन का है। तो वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 356 रन 7 विकेट बनाया है और सबसे कम स्कोर भारत ने 232 रन पर ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। आपको बता दें, पुणे के MCA स्टेडियम में 305 के औसत स्कोर के साथ शानदार बल्लेबाजी ट्रैक बनाए गए हैं। यहां बल्लेबाज इसकी छोटी सीमाओं का फायदा उठाते हैं, लेकिन गेंदबाज छा सकते हैं क्योंकि पिच तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मूवमेंट निकालने की इजाजत देती है, खासकर दूसरी पारी में। इसी तरह पिच के ठीक होने पर स्पिनरों को कुछ टर्न मिल सकता है। तो वहीं मैच वाले दिन मौसम का हाल न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जिसके चलते बादल
बादल रहेंगे और बारिश की संभावना ना के बराबर रहने वाली है, जिसके चलते दर्शकों को भारत और बांग्लादेश का मैच पूरी तरीके से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्य क्रम में नजमुल संतो, मेहंदी हसन, मिराज और मुशफिकुर रहीम खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला और हरदोई को खेलने का मौका मिलेगा, तो वहीं गेंदबाज के तौर पर शोरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को खेलने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा करते दिखाई देंगे, तो वहीं मध्य क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिलेगा, जो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और भारत को मजबूती दिलाएंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका मिलेगा, जो दोनों बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीम को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इन 11 प्लेयर्स को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच 17 अक्टूबर को पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। इस दौरान टॉस का समय 1:30 बजे का रहेगा, तो वहीं लाइव स्ट्रीमिंग 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है इसका लाइव टेलीकास्ट आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मुफ्त में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।